So now today we are going to discuss about the derivation of minimum number of teeth on the pinion to avoid the interference. So this is the same diagram that we have seen in case of the interference. Now only difference is that we are joining here from O1 to N, fine, and this is the same. Mn is the common normal passing through the pitch point. KPL is the length of path of contact that we have already seen, length of path of contact also, and we have also seen the condition of interference also. Now this is angle is what, phi, this is 90, so this angle will be what, 90 minus 5, and this whole is a linear pair, so this is 90 minus 5, this will be what, 90 plus 5, clear? Now we will only focus on the triangle O1PN. This is a triangle which is having an angle more than 90 degree. Iska angle kya 90 se zyada hai. So by the property of triangle, O1N square equals to what, O1P square plus PN square minus 2O1P into PN cos of 90 plus 5, clear? ये वही formula है जो आपने mechanics में पढ़ा है starting के modules के अंदर. तो what is O1P? फिर से diagram पे हम देखते हैं. O1P is nothing but your radius, and what is your value of PN? PN क्या होता है आपका? ये हो गया आपका capital R. capital R क्यों? wheel का है. ये हो जाएगा R cos phi, ये R sin phi. तो आपका PN हो जाएगा आपका what? R sin phi. हमें निकालना है O1N की value. So फिर से आ जाइए अब derivation पे. So O1N square is nothing but small r square plus r square sin square phi minus 2 small r capital R sin phi cos of 90 plus phi. इसको हम जब cos को sin के टर्म में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, r square plus r square sin square phi plus 2 small r capital R sin square phi. Small r किसके लिए? pinion के लिए. capital R आपके wheel के लिए. तो इसमें से हम small r square common निकाल लेते हैं तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा. होप आपको समझ में आ रहा होगा. सिर्फ हमने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया है आपके मैकेनिक्स का, ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स का. नाउ हमें पता है रेडियस, सॉरी मॉड्यूल क्या होता है, डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, डी अपॉन टी. डायमीटर क्या होता है, स्मॉल आर इंटू टू मीन्स ट्वाइस ऑफ रेडियस अपॉन नंबर ऑफ टीथ. तो टीथ क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ टीथ एम इंटू, सॉरी आर क्या मिलेगा, एम इंटू टी बाई टू. तो ये R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं. सो R की वैल्यू पहले पुट करने से पहले हम O1N की वैल्यू निकाल लेंगे. ये जो स्क्वायर है यहाँ रूट में चला जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल r बाय r, हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, यहाँ पे r बाय r बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया गया है. और r की जगह पे हमने फिर क्या पुट किया, एम टी बाय 2. तो आपको O1N की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ. तो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं अडेंडम डिस्टेंस ऑफ पिनियन इनटू मॉड्यूल व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, O1N माइनस O1P. फिर डायग्राम पे आ जाइए, हमें निकालना है अडेंडम डिस्टेंस ऑफ पिनियन इनटू मॉड्यूल. वो क्या होता है, O1N माइनस O1P. इसको अगर आप O1N को O1P से माइनस करोगे तो आपको एक टर्म मिलता है, इसको कहते हैं अडेंडम डिस्टेंस ऑफ पिनियन मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल. आ जाइए फिर से अब डेरिवेशन पे. सो अडेंडम डिस्टेंस ऑफ पिनियन इनटू मॉड्यूल इज नथिंग बट O1N माइनस O1P. O1N तो हमने निकाल के रखा है ये वैल्यू, एंड व्हाट इज O1P, सिंपल रेडियस ऑफ द पिनियन जिसको हम एम टी बाई 2 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे भी एम टी बाई 2 है, यहाँ पे भी एम टी बाई 2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा. बाकी बचा हुआ टर्म और ये बचा हुआ माइनस वन, और यहाँ से आप mm कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ मिलेगा ट्वाइस ऑफ अडेंडम डिस्टेंस ऑफ पिनियन. बचा हुआ जो होल टर्म आपके नीचे आ जाएगा. तो ये आपको हो गया आपका बेसिक इक्वेशन फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए पिनियन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस. नाउ थोड़ी सी और इसको एक्सपांड कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए फिर से उसी इक्वेशन पे आइए. ये r, r किसका है, रेडियस ऑफ व्हील. r ये किसका है, रेडियस ऑफ पिनियन. तो r बाय r को हम कहते हैं गियर रेशो, जिसको हम डिनोट करते हैं g से, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इक्वल टू 1 भी हो सकता है बट मैक्सिमम इट इज ग्रेटर देन 1. इक्वल टू 1 कब होगा, जब पिनियन की टीथ और गियर की टीथ क्या होगी, नंबर्स सेम होंगे. तो r बाय r को हम अभी फिलहाल g से रिप्लेस कर सकते हैं. तो आ जाइए इस इक्वेशन पे. सो t इज नथिंग बट व्हाट, ट्वाइस ऑफ ap, 1 + g, g + 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन.
और जैसा हमें पता है, यहाँ पे देखिए आर किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ। तो आर को हम स्मॉल आर को स्मॉल टी से रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल आर को कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में कैपिटल आर को कैपिटल टी, स्मॉल आर को स्मॉल टी से रिप्लेस करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा जिसको ये कहेंगे टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी वन प्लस टी बाई टी कैपिटल टी बाई टी प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन। सपोज अगर दोनों पिनियन और गियर पे नंबर ऑफ टीथ सेम है तो गियर रेशियो क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे आपको नया इक्वेशन मिलेगा वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन, ये अंडर रूट के अंदर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका बेसिक इक्वेशन है ये, और सेम उसी इक्वेशन को हम ये भी कह सकते हैं। ये तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे आपके मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए पिनियन टू अवॉइड दी इंटरफेरेंस। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी सेम बेसिक्स पे डिवाइड होता सॉरी डिराइव होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए व्हील टू अवॉइड इंटरफेरेंस, जिस केस में हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ये वाले ओ टू पी एम। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर हम बात करेंगे ओ टू पी एम, और अब निकालेंगे ओ टू इंटू एम के वैल्यू। सो ये डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको खुद आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ क्या रिप्लेस होगा आपका, आर और आर के वैल्यूज अपनी जगह को इंटर चेंज करेंगी, बाकी पूरा डेरिवेशन सेम होगा। तो हम उसको नेक्स्ट डेरिवेशन में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस दिस डेरिवेशन, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट केयर करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।